मेरी बहू को प्यास लगी है, कुछ मदद कर सकोगी? हाँ हाँ क्यों नहीं। बहादुर क्या नाम है बेटी तुम्हारा? मेरा नाम राजी और उसका नाम बहादुर है। क्या लगता है वो तुम्हारा? जी वो कुछ भी नहीं, वो हमारे ही गांव में रहता है, सिपाही है, फौज में सिपाही, छुट्टी कर आया होगा, बड़ा अच्छा लड़का है। मैं तो इसे ऐसा ही समझती हूँ, पर माँ से अच्छा नहीं जानती। तुम्हारी माँ भी है? माँ ही तो है, और वो भी बेचारी इनकी बड़ी मुश्किल से गुजारा होता होगा। नहीं मुर्गियाँ और बकरी कमाती हैं और हम खाते हैं। हाँ क्या नाम बताया था इस गांव का तुमने? ना आपने पूछा और ना मैंने बताया, वैसे हमारे गांव का नाम नगीना है। नगीना, वो तो तुम्हारा नाम होना चाहिए था और गांव का अंगूठी। लो बाजू मैं पिला दूँ आपको बहुत। लो मैं पिलाई देती हूँ, लो बेटी पी लो। बस और नहीं पिएगी तो आप पी लीजिए, मैं और बहादुर तो एक ही साथ में दो कटोरी पी जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, अगर वक्त होता तो मैं तुम्हारे गांव जरूर जाती, बड़े अच्छे लोग हैं यहाँ के। क्या नाम बताया गांव का? नगीना। और तुम्हारा नाम राजू है ना? और इसका नाम बहादुर। आप दुल्हन को मैके छोड़ने आए हैं तो हमारी घर जरूर आइएगा। जरूर जरूर। अच्छा खुदा आपे, चलो ड्राइवर। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आया। क्या समझ नहीं आया? यही चक्कर क्या है? हाँ, चलो छोड़ो आओ चलो। इसमें समझने की क्या बात है? अमीर लोग हैं, धूम ब्याह कर लिए जा रहे हैं। पहाड़ी लड़की और शहर का लड़का, यही तो ना समझने वाली बात है। बदली मुहब्बत की शादी होगी, तू भी अहमक ही रही। लतमंद और गरीब की मोहब्बत, धोखा, फ्रेब। मेरे ख्याल में तो लड़की बेची गई है। कैसी बातें करते, मोहब्बत भी कोई दिखने की चीज है? ये पुरानी बातें हैं राजी, मजबूरी जमीन तक बिकवा देती है। मोहब्बत तो मामूली चीज। तुम तो पढ़े लिखो जैसी बातें करने लगे हो बहादुर, कोई और कुछ नहीं कह सकते। तुम्हारी शादी का जिक्र छेड़ो, जरा हाथ मजबूती से थामो। कदम संभाल कर रखो बहादुर, कहीं प्याला न छलक जाए। बैठो राजी, कुछ अपनी बातें भी तो कर ले। मुझे जाने दो बहादुर, माँ बेचैन होगी। एक ना एक को तो बेचैन होना ही है, जाओगी तो मैं और आओगी तो माँ। लो ये दूध पी। मुझे प्यास नहीं। दुल्हन का जूता है, पियो भी तो शादी जल्दी हो जाएगी। पहले तुम पियो। मैं तुम्हारे बाद पीऊंगा, एक घूंट मेरे हाथ। हाथ छोड़ो बहादुर, कोई देख लेगा। हाथ चढ़ते वक्त तो हाथ नहीं छुड़ाया था, उस वक्त गिरने का जगह था। या इशारा तूने हमको पीछे पीछे आने का, तेरी हो पीछे पीछे आने का, वरना मतलब क्या है ऐसे हाथ झटक कर जाने का, तेरी हो हाथ झटक कर जाने का। किया इशारा तूने हमको
हो जान लिया है मान लिया है क्या नखरे दिखलाती हो। आखिर हम भी दिल वाले हैं क्यों हमको तड़पाती हो। दिखा तूने खूब तरीका उल्टा रोब जमाने का वरना मतलब क्या है ऐसे हाथ झटक कर जाने का तेरी हो हाथ झटक कर जाने का। या इशारा तूने हमको घबराई घबराई है ऐसी कोई बात नहीं तो क्यों इतनी शर्माई है। तूने समझा समझ गए हम राज तेरे शर्माने का वरना मतलब क्या है ऐसे हाथ झटक कर जाने का तेरी हो हाथ झटक कर जाने का। या इशारा तूने हमको आँख चुराना प्यार छुपाना कितना रंगी धोखा है। अपने दिल को राजी कर ले किसने तुझको रोका है। जालिम तुझको पूरा हक है बात अपनी मनवाने का वरना मतलब क्या है ऐसे हाथ झटक कर जाने का तेरी हो हाथ झटक कर जाने का। किया इशारा तूने हमको पीछे पीछे आने का तेरी हो पीछे पीछे आने का। Thank you.
और मैं ये समझती हूँ तुम्हें कुछ नजर नहीं आता, जो एक जवान बेटी की माँ को अंधा समझते थे। बहादुर, मैं उसी वक्त जान गई थी कि तुम राजी के साथ आए हो जब राजी ने तुम्हारी हिमायत की थी। तुम्हें सामने पाकर राजी ने मुझे जवाब दिया है, तुम्हारी मौजूदगी का यही सबूत काफी था। मैं और तो तुम्हें कुछ नहीं कहना चाहती बहादुर, सिर्फ एक बात याद रखो, अगर दोबारा तुमने इस दहलीज में कदम रखा तो मैं इसी दरिया में छलांग लगा दूंगी और मेरी मौत के जिम्मेदार तुम होगे। अब जाओ और फिर कभी राजी से मिलने की कोशिश ना करना। का जवाब नहीं दिया, आखिर किस लिए तुमने उस बेचारे की बेइज्जती की है? उसने तुम्हारा बिगाड़ा ही क्या है? तुम मुझे डांट सकती हो, मना कर सकती हो, लेकिन तुम्हें बहादुर को झाड़ने का हक नहीं पहुंचता। माँ राजी, जबान को रोक लिया करो राजी, ताकि मेरा हाथ रुका रहे। लिबास से मेरे पलंग पर बैठे कुछ अजीब से लगते हो। समझा नहीं खानम। तुम कुछ नहीं समझोगे, 15 वर्ष के अरसे में अपने हाथों से तराश कर तुम्हें जवान किया है, लेकिन अभी तुम्हें अभी तक नहीं आई। बेवकूफी ही भली है खानम, अक्ल आ गई तो शायद कयामत आ जाए। तुम्हारी बातों से तो ये लगता है कि जैसे मैंने तुम्हें कैद कर रखा है। ना आपने जंजीर पहनाई है न पर काटे, बस उड़ने की ताकत छीन ली है, जहन से आजादी का तसव्वुर ही निकाल लिया। अगर तुम्हारा इशारा शादी की तरफ है तो तुम्हें इजाजत है कि आज रात तुम खुद दुल्हन के पास गुजारो, मैं तुम्हें मना नहीं करती। शुक्रिया, दुल्हन आपकी खरीदी हुई चीज, मेरी मिल्कियत नहीं।
मैं तो सिर्फ एक सिंघार बक्स हूं। वो खूबसूरत डिब्बा जिसमें जेवर रखा जाता है पहनाया नहीं जाता। तुम दिन ब दिन तल्ख होते जा रहे हो जमाल। ये मेरा नहीं, इस सुनहरे लिबास का कसूर है जो आपकी मर्दी से अपने जिस्म पर सजा लेता हूं। मेरा ख्याल है ये अब उतार ही आऊं तो बेहतर। अगर जी चाहे तो एक नजर दुल्हन को देखाना, वरना वो तमाम रात आंखों में गुजार देगी। तुमने तमाम रात आंखों में काटी, तुम्हारे कान भी दरवाजे की आहट पर लगे रहे। ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, लेकिन जमाल की तबीयत अचानक खराब हो जाने से तमाम खुशियां धरी रह गई। गम ना करो, अब उसकी हालत कुछ बेहतर है और वो कई घंटों की तकलीफ के बाद अभी अभी सोया है। बैठी रहो, तुम्हें खबरगिरी की जरूरत नहीं, मैं भी मौजूद हूँ। वैसे भी उसे शाम तक आराम करना चाहिए। तुम नाश्ता करके सो रहो, जिस वक्त भी उसकी आंख खुलेगी मैं तुम्हें बुलवा भेजूंगी। लेकिन नहीं, तुम कमरे से बाहर ना निकलना। मैं नहीं चाहती कि आसपास के हमसायों का साया तुम पर पड़े। बड़े बदकुमाश लोग हैं, ऐसे गुनाहगार की मैं बता नहीं सकती। मेरा उनसे मुकदमा चल रहा है, लेकिन तुम फिक्र ना करो, हम कल ही अपने नए बंगले में मुंतकिल हो जाएंगे। थोड़ी देर तक फिर आऊंगी, अगर ना आ सकी तो बुरा ना मानना।
बड़े बदकुमाश लोग हैं, ऐसे गुनहगार कि मैं बता नहीं सकती। जब जवान लड़की सुहाग का जोड़ा पहन ले तो वो खामोश क्यों हो जाती है? आप औरत होकर नहीं समझ सकें तो भला मैं इसका क्या जवाब दे सकता हूँ? इतना तो मैं समझती हूँ कि एक अजनबी मर्द का तसव्वुर दुल्हन के होठों पर हया की मोहर लगा देता है, लेकिन मैं तो औरत हूँ, कम से कम जैनी को मुझसे नहीं शर्माना चाहिए था। हो सकता है बेचारी गूंगी हो। तुम्हारा मतलब है मैं अंधी हूँ जो एक गूंगी को ब्याह लाई हूँ? नहीं, ये बात नहीं है खानम, मेरा मतलब है आप ही का इंतखाब है, आप जाने और वो, मैंने तो उसकी सूरत भी नहीं देखी। सूरत तो मैंने भी उसे तुम्हारी नहीं देखने दी और ना ही तुम्हारे मुतल्लिक कुछ पूछने का मौका दिया है। इस बात में तो आपको महारत हासिल है, मेरे न जाने की कोई ऐसी वजह घड़ ली होगी जिससे उसकी तसल्ली ही नहीं, मैं तो उसे कमरे से बाहर ना निकलने का मशवरा भी दे आई हूँ। खूब खानम, मैं आपकी तरफ देखता हूँ तो मुझे बुजुर्गों का ये मकूला गलत मालूम होता है कि औरत हमेशा कम अक्ल होती है। मुझे खुश करने की कोशिश ना करो जमाल, मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूँ। साफ कह दो कि तुम्हें कुछ रकम की जरूरत है। हक तो मेरा बनता है, लेकिन मैं अपनी जबान से इसलिए नहीं कहता कि आप अपना फर्ज खुद ही अदा कर दिया करती हैं। फिलहाल मैं तुम्हें 500 ला देती हूँ, बाकी कल परसों ले लेना, शादी पे भी तो काफी खर्च हुआ है। उनकी सूरत भी नहीं देखी। न जाने इनकी आंखें कहां। नहीं
रात आपका इंतजार करती रही। आपकी तबीयत खराब थी ना? क्या कह रही हो तुम? मैं तो जब से पैदा हुआ हूँ बीमार नहीं हुआ। अलबत्ता जवान लड़की देखकर तबीयत जरूर खराब हो जाती है। वैसे कल रात मैंने पाजी के पास गुजारी थी। आंखें अच्छी हैं उसकी, मगर है बड़ी बदतमीज। आपका मतलब? मतलब ये कि जवाब नहीं तुम्हारा, कीमत वसूल हो गई, बाकी रहा इनाम, तो ये लो। इस अड्डे का पुराना आदमी तुम नहीं हो, इसलिए नहीं पहचानती। अरे बैठ जाओ, अभी तो रात काफी है।
जाओ प्यारे दिल्ला हदे तो माफी अपनों को यूं तड़पाना इतनी है नाइंसाफी मान भी जाओ प्यारे दिल्ला हदे तो माफी अपनों को यूं तड़पाना इतनी है नाइंसाफी मान भी जाओ प्यारे। थक गई और तुम चुप बैठे बैठे नहीं उठता है। जितना कसूर हो उतनी ही सजा देनी चाहिए बहादुर। तुम्हारे रूठ जाने से जो कुछ दिल पे गुजरती है अगर जान जाओ तो कभी ना रूठो बहादुर। मुझे यूं महसूस होने लगता है जैसे मैं अकेली रह गई हूँ बादल की तरह जिसे हवा भी पीछे छोड़ जाए और जो बरस भी ना सके। साजी मुझे अब खुद की कसम मैं तुमसे प्यार जरूर करता हूँ लेकिन बेइज्जत होने के लिए नहीं। ज्यादती माने की है मेरा भला क्या कसूर? कसूर तुम्हारा है राजी जो दिल की बात माँ के सामने नहीं कहती। मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हें हिम्मत है तो मेरा साथ दो वरना जो माँ कहती है वैसा ही कर। अभी वो वक्त नहीं आया बहादुर। वक्त को बुलाया जाता है राजी उसका इंतजार करने वाले नाकाम रहा करते हैं। तुम ठीक कहते हो लेकिन क्या करूं? जबान मेरे पास नहीं आंसू माँ नहीं देख सकती एक बार तुम नहीं करती आखिर जाऊं कहूं? इसका मतलब है ये हिम्मत भी मुझे ही करनी पड़ेगी लेकिन मेरी छुट्टी तो खत्म होने को है। अब की बार वापस आया तो तुम्हें जरूर हासिल करूंगा। मेरे सर की कसम खाओ ये सिपाही का वादा है राजी। राजी यही बात क्या राजी? मैं जानती हूँ तुम बहादुर से मिलकर आ रही हो। ना हो तुम कुछ ना कहो राजी जो मैं कहती हूँ इत्मीनान से सुनती जाओ। तुम भी अपनी माँ की बातों का बुरा मानती हो मैं भी अपनी माँ की बातों का बुरा माना करती थी। तुमने भी एक सिपाही से प्यार किया है मैंने भी एक सिपाही से मोहब्बत की थी। तुम शादी करना चाहती हो मैंने कर ली थी और एक बेटे की माँ भी बनी। क्या कह रही हो माँ मेरा कोई भाई भी था? हाँ जिसके 8 बरस बाद तुम पैदा हुई। तुम्हारे पैदा होते ही मेरे सिपाही को जंग पर जाना पड़ा। ऐसा गया कि वापस ना आया। थोड़े ही अरसे बाद मुल्क तकसीम हो गया और हमें काफले के साथ पाकिस्तान आना पड़ा। गोद में तुम थी और पहलू में तुम्हारा भाई। सीने पर खामिन की जुदाई का जख्म था और प्यारों में वतन छोड़ने के छाले। Thank you.
हामी की नजर हो गया। तुम्हारा बाप तो जंग में छीन ही लिया था, तुम्हारा भाई भी फसाद में खा लिया, बालों की सफेदी तुम्हारा बाप दे गया और आंखों की रोशनी तुम्हारे भाई ने ले ली। इन जंग पर जाने वालों का इंतजार बहुत लंबा होता है राजी, गई हुई बात पलट सकती है, मगर सिपाही लौट कर नहीं आया करते। मैं 15 साल से इसी दहलीज में बैठी जाने वालों का इंतजार कर रही हूँ। आंखों पर गुनाह की पट्टी बांधे मुझे 18 साल बीत गए, लेकिन ना आंखों की शर्म ही वापस आई ना आंसू। आहिस्ता आहिस्ता आंसुओं की जगह मुस्कुराहट ने ले ली और हया की आखिरी सुर्खी जमीर की स्याही में डूब गई। मैंने अपने आप को हालात के सपुर्द कर दिया और गुनाह की इसी जिंदगी पर आसरा कर लिया। औरत गंदगी का छीटा बन जाए तो हर आदमी उससे अपना दामन बचाने लगता है। इसका इलाज सिर्फ ये है कि तुम अपने आप को एक दामन बना लो और इस दामन पे अपने दावों से गहरा रंग चढ़ा लो। जमाने का हर फर्द इसी दामन के साए में पनाह लेगा। बदनामी का ये दाग मौत भी नहीं धो सकती जेनी। बेहतर तो ये है कि जिस तरह वक्त ने तुम्हारी मासूमियत से बदला लिया है, उसी तरह तुम भी वक्त के एक एक लम्हे से इंतकाम लो और जो जहर पी चुकी हो उसे उगलने की बजाय दूसरों के जिस्म में दाखिल कर दो। इस जिंदगी से भागोगे तो दुनिया का हर इंसान तुम्हें दुश्मन बनकर मिलेगा। तुम्हारे चेहरे पर लगी हुई सही को माँ बाप भी नहीं छुपा सकते। अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है कि इसी तरह पराए बस में रहकर अपनों की याद भी फरामोश कर दो। आज जिस जन्नत में तुम जा रही हो जानी, अगर वो तो जब वो बन जाए तो वहां से निकलने की कोशिश करता। शादी के बाद बेटियां माँ बाप के लिए मर जाती है मेरी बच्ची। हंसने की क्या बात है खानम? तुम्हारी बेवकूफी पर हंसी आई है कि तुम एक जवान लड़की को इतना अकलमंद समझते हो। जो लड़की ससुराल पहुंचने तक घूंघट उठाकर अपने खावंद की सूरत नहीं देख सकी, वो भला मेरा अपनी रूप क्या देखेगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि उसे पता चल गया है कि मैं उसे ब्याह कर लाया। अब पता चल भी जाए तो ज्यादा से ज्यादा यही कर सकती है कि दूसरी लड़कियों की तरह चंद दिनों तक अपनी बेबसी का मातम करके चुप हो जाए। ये तो मैं भी जानता हूँ कि औरत हालात के सामने बहुत जल्द हथियार डाल देती है। तो फिर डरता किस बात से? डरता नहीं, सिर्फ आपकी हिम्मत पर हैरान हो रहा हूँ। झूठ न कहो जमाल। मान लो कि तुम एक जवान मर्द होकर बैठ के उस दरख्त की तरह कमजोर हो जो हवा के एक झोंके से कांप उठता है। आप तो बात को यूं ही बढ़ा देती हैं खानम, वरना क्या मैं नहीं जानता कि औरत बगावत के मुतालिक सोच तो सकती है, उस पर अमल नहीं कर सकती। इस दोजख में आने वाली हर लड़की गुनाह के एहसास में सुलग तो सकती है, चिंगारी नहीं बन सकती। तो फिर बहस किस बात की? देखते रहना, थोड़े दिनों तक जैनी भी जल जल कर बुझे हुए चराग की तरह इसी अंधेरे का एक हिस्सा बन जाएगी। और गुनाहों की इस नुमाइश में बाकी तस्वीरों की तरह एक तस्वीर बनी लड़की है ना? तस्वीर नहीं, एक खाका। खाका भी नहीं बल्कि एक बेजान ढांचा को। सुन लीजिए, रात के वक्त आया हुआ टेलीफोन है, जरूर किसी इज्जतदार व्यापारी का होगा। हेलो, कौन? खान बहादुर साहब? तो मैं भी भिजवाए देती हूँ, लेकिन सुबह आपको एक सिफारिश करनी होगी। जी, एक लड़की की जमानत के सिलसिले में। जी, थैंक यू।
आई ही नहीं, मैं आपको अपने जख्म दिखाने नहीं आई, क्योंकि मेरी आप बीती को मुझसे ज्यादा आप जाते हैं। मेरे पास क्या लेने आई हो? ना मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ, ना इल्तिजा करने, सिर्फ एक सवाल करना चाहती हूँ, अगर आप उसका जवाब दे सके तो। मतलब? क्या आप उन लाखों मर्दों में से एक है जिनके ख्वाब लड़कियां सुहागन बनने से पहले देखा करती हूँ? क्या आप ही वो खाविंद हैं जो अपनी बीवियों की इज्जत के महाफिज कहलाते हैं? जवाब दीजिए। आज एक ऐसी जबान अपने सुहाग से सवाल करती है जिसे बचपन में से खामोश रहने का सबक दिया गया था। बोलिए, मैं इस भंडार में किस दर्द मन का जाकर दामन पकड़ूं, किससे जाकर कहूं कि मैं उस बेहया खाविंद की बीवी हूं जिसने मेरी शर्म को गुनाहों के चौराहे में लाकर नीलाम कर दिया है। एक ऐसा खाविंद जो अपनी बीवी के लिए सुकून ढूंढने की बजाय खरीदार ढूंढता है, खुद अपनी इज्जत की बोली देता है। कौन सी माँ है जिसने तुम जैसे बेगैरत मर्द को जन्म दिया? दुनिया सारी सहकी पैमाना भूलता
झूमता है मरना गुजारी है तो ये टोपी किस स्मगलर की है? ओ, ये तो शेरगुल की टोपी है और एक हफ्ते से यही पड़ी है, एकदम समझ कर छोड़ गया है बेचारा। कौन सा शेरगुल? वो तंबाकू का व्यापारी तो नहीं? तुम उसे कैसे जानती हो? ये किराए की आशा किसी के नहीं हो सकते। मेरे पास भी दो तीन रातें गुजार चुका है, बात बात तो मुंह से राय टपकाता है। अरे नीलो को जरा ताने जिम्मेदार की नकल तो उतार। हाँ हाँ जरा जल्दी से पगड़ी बांध कर। अस्सलाम वालेकुम। आज ते टोके दी तार बड़ी तेज मालूम हुंदी है, मैं क्या सोने हो जरा तको ते सही। असि ते कतल दी तरीक ते आए सा पर ताड़ी यार सानू खिंच ले आई है। अरे हे सानू चार दियो, असि ते सरकार नू फड़ाई नहीं दिती, उन्हें जिम्मेदारी खत्म की, असि जमीना भतीजिया ते सालिया दे ना कर दितिया। एक सूत्र जमीन दा नहीं दिता राणा, पर तेरे लिए मुरब्बा कैम है, हस के तक ते नान खा ले। अब आदाब बजा लाता हूँ, अब कुछ बांध जाओ। ईमान की कह लिया, दादा जान मरहूम जिंदा होते तो ये चेहरा देख के तमिल बाई को तलाक दे देते। जी चाहता है इस चेहरे पे कसीदा लिखूं, अब वो भी एक कोने में बैठकर। तुम्हारी जान की कसम शरीन, जरा मेरा 80 लाख का क्लेम मंजूर होने दो, तुम्हें रावी के किनारे ताजमहल बना दूंगा। अरे कुछ इनाम भी देता है या नहीं? इनाम क्या देगा, सारी रात शेखियां बघारते, चुटकियां लेते और दांत काटते गुजार देता है। सुबह होते ही कबूतर की तरह फड़फड़ाकर पलंग सिरे से गिर जाता है, इतना प्यार करता है। अरे नहीं, उस बेचारे को मिर्गी की बीमारी है, बड़ी मुश्किल से जूते सुनाकर होश में थी। तुम क्यों नहीं बोलती कनीज, सिर्फ हमारे आज सुनकर खुश हो रही हो? मैं क्या बोलूं, मेरे कमरे में तो पिछले 3 महीने से कोई चूहा भी घुसा। ताजी से पूछो, जिसे तुमने सोने का हार लाकर दिया है वो क्या लाकर देगा? मोटर की चलाते हुए आता है और शराब मेरे ही पल्ले से मंगा कर पीता है, फिल्म में काम दिलाने का वादा करके रात गुजार जाता है, जिस दिन पैसे हो उस दिन नई लड़की के पास चला जाता है। रात को तो तुम्हारे पास ही था ना? हाँ, सुबह सुबह खानम के कमरे से अपनी पहली बीवी को टेलीफोन कर रहा था कि मैं सारी रात फिल्म की शूटिंग करता था। खानम, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं भी आपके साथ चलूं? इस चीख से खौफ पैदा होकर ये ख्याल आया है या वैसे ही? खौफ किस बात का, मैं तो इन चीखों का आदि हो चुका हूँ, बिल्कुल चिड़िया घर के उस मुलाजिम की तरह।
जिसका दिल खूंखार आवाजों पर भी नहीं दहलता। शायद तो यू जानना चाहता हूँ कि मैं यहाँ रहकर क्या करूँगा। मेरी वापसी में ज्यादा देर नहीं लगेगी, बस यूँ समझो झट गई और पट आई। बेहतर तो मेरी मर्जी की बात नहीं है जमाल, तुम्हारे लिए रिश्ता मांगने जा रही हूँ। बात पक्की हो जाने के बाद तुम्हारे जाने की बारी आएगी। कितनी बेचैनी भी क्या, इतना सुकून भी कहाँ है। बाज औकात तो जी चाहता है कि राख बनकर जमीन पर बिखर जाऊं, या धुआं बनकर आसमान में गुम हो जाऊं, या बस यूं कुछ बेमकसद आपके साथ जाना चाहता था। अगर नहीं तो न सही आप हो। मैं तुम्हारी मुश्किल को समझ गई हूँ जमाल, और जान गई हूँ तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। सिर्फ तन्हाई में आईना देखना नहीं चाहता। क्यों? तन्हाई में आईना देखने से बाज औकात इंसान का जमीर उसके सामने आ जाता है, और अभी मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं अपने जमीर का सामना कर सकूं। कैसी बातें करती हो राजी, मैं वतन के लिए जा रहा हूँ, मुझे खुशी से रवाना कर। तुम्हारे सिपाही होने की खुशी तो है, लेकिन तुम्हारे जुदाई के गम को कैसे छुपा लूं? छुट्टी जो खत्म हो चुकी है, एक दिन तो जाना ही था। मैं तुम्हें रोज तो नहीं सकती बहादुर, लेकिन तुम्हें भेजने पर जी नहीं चाहता। ऐसा ना कहो राजी, तुम एक सिपाही की मोहब्बत हो। सिपाही की मोहब्बत को सिपाही से ज्यादा जंग लड़नी पड़ती है बहादुर, तुम सिपाही मिला और जंग पर नहीं लगा। चंद महीनों की तो बात है, अगले मौसम फिर छुट्टी पर आ जाऊंगा। मौसम महीने, मुझे तो यूं लगता है जैसे महीने और मौसम फिर जुदा होने के लिए बने। आंसू रो क्यों राजी? न तुम पर इख्तियार है न इन आंसुओं पर। तो फिर मैं नाराज होकर चला जाऊंगा। ये लो मैं मुस्कुरा देती हूँ। इसे बिछड़ने का कोई गम राह
मारी मेरी खुशी तेरी खुशियों पे वारी, मेरी खुशी तेरी खुशियों पे वारी, तेरी बनाए मुझे लग जाए सारी। बीमार माँ की खिदमत करती रहती है। बैठ जाओ बेटी, बैठ जाओ। मुझे पहचाना? जी हाँ। कैसी है आपकी बहू? क्या बताऊं बेटी, वो तो शादी के दूसरे ही दिन अल्लाह को प्यारी हो गई। ये तुम्हारी आंखें क्यों सूज रही हैं? रोती रही होगी, जरा से गम को दिल पर लगा लेती है। राजी तुझे कई बार समझाया है? राजी तो अंदर जा चुकी है खाला, वो तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। मेरी समझ में तो यही बात नहीं आई बेगम साहिबा कि आखिर आप जैसी अमीर औरत को हमारी कौन सी बात पसंद आ गई। शहर की लड़कियां खामत बनकर रहती हैं, बीवी नहीं। मैंने पहले भी इसी इलाके की एक मासूम लड़की को बहू बनाया था, लेकिन अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। बेटी का मामला है बेगम साहिबा, सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं रात जाग बंगले में गुजारूंगी, सुबह शगन करके जाऊंगी। जवाब हाँ या ना की सूरत में देना, ताकि मैं कहीं और सवाली बनकर जा सकूं। बेगम साहिबा, मैं तो कहती हूँ रात आप इसी झोंपड़े में गुजारें। नहीं खाला, मुझे और भी बहुत से काम है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। राजी, तेरा सत्यानाश हो कहा
कौन सा दिन है जब तुमने मुझे जलील नहीं कराया? दोपहर से उस बिचारी के पास बैठी तुम्हारे अबू पर पर्दा डाल रही थी, कहां थी तू सारा दिन? इस ठगे को रो रही है कम्बख्त, पान मार गया है तेरा। ऐसा ना कहो माँ, कभी तो खैर का कलमा मुंह से निकाला करो। बकवास बंद कर, मेरी जग हंसाई भी कराती है और जबान चलाते हुए शर्म भी नहीं आती। बहादुर ने तेरे दीदों से हया छीन ली है, अब तो उसका पीछा छोड़ दे माँ, अब तो वो जंग से जा चुका है। तेरी रोज रोज की बददुआओं ने उसे मेरी आंखों से दूर कर दिया, मुझसे जुदा कर दिया है। माँ अब तो खुदा का खौफ करो। राजी, अपने गमों का बदला मुझसे क्यों लेना चाहती हो माँ? मैं कहती हूँ चुप हो जा। चुप हो जाओ बेटी, जो मैं सोचती हूँ वो तू नहीं सोच सकती, जो तू सोचती है वो तकदीर नहीं सोचेगी, जो तकदीर सोचेगी उसे मैं कबूल नहीं करूंगी। क्रोध होकर चुप हो जाओ बेटी, इसी में बेहतरी है। दीनू जी, इधर आओ। तुम निहायत निकम्मे आदमी। नहीं नहीं हुजूर, मैंने तो बहुत हाथ पांव मारे। हाँ हाँ, लेकिन या तो मेरी जुबान में ही असर नहीं रहा या इन इलाकों के लोग ही बहुत सियाने हो गए। बच्चे हो तुम, एक बार के काबिल ही नहीं। यूं ना कहिए बेगम साहिबा, सिर्फ मेरी तब्दीली आप किसी और डाक बंगले में करा दीजिए, फिर देखिए आपको कभी कोई शिकायत नहीं होगी। अच्छा, ये काम भी हो जाएगा, पर शाम होने से पहले तुम उस अंधी के पास जाओ, आग मैं लगा आई हूँ, तेल तुम गिरा देना। कौन सी अंधी? राजी की माँ? वहाँ आपका हाथ कैसे पहुँच गया बेगम साहिबा? उसकी बेटी तो भीड़ों का छत्ता है, भीड़ों का, और वैसे भी वो पहले से। मैं जानती हूँ उसकी माँ उसकी मोहब्बत के खिलाफ है, बीज फेंका जा चुका है, तुम जाकर पानी दे दो, पौधा फूट पड़ेगा। आप तो पानी फरमा रही हैं बेगम साहिबा, मैं दरिया बहा दूंगा दरिया, मगर अच्छा अच्छा। ये लो, जल्दी लौट आना, मुझे आज ही रवाना होना है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, कोई सखी हो तो आप सा हो, और कोई गरीब परवर हो तो आप सा, और कोई चुप रहो, खुशाम भी कहेगा। और सुनो, ये लो अंगूठी और रुमाल, इसे अपने पास रखो, काम बन जाने पर मुझे मेरे पते पर तार दे देना। बहुत अच्छा बेगम साहिबा। मैंने कहा कि सोच में पड़ गई हो बहन, मेरी बात का कुछ तो जवाब दो। क्या जवाब दूं भाई, तुमने तो मुझे अभी उलझन में डाल दिया है। उलझन कैसी? हाँ करो, ये रुमाल अंगूठी लो, बात पक्की करो, चट मंगनी और पट दिया। रिश्ता भी अच्छा है, तुम्हारी बातें भी दिल को लगी है, लेकिन लेकिन वेकिन की बात ना करो बहन, ऐसे मौके बार बार हाथ नहीं आया करते। ये बात नहीं भाई, बेगम की बातों से अच्छे घर की खुशबू तो मुझे भी आई है, मगर डरती हूँ कहीं आंखों का अंधापन मुझे ना ले डूबे। क्या मतलब? मतलब यही कि लड़के को मैंने देखा नहीं और ना ही देख सकती हूँ, कहीं लड़के में ऐसा ऐब ना हो जो राजी तमाम जिंदगी मुझे कोसते हुए गुजारते। इसका गम ना करो बहन, वो लोग मेरे रिश्तेदार फोड़ेंगे जो मैं तुम्हें धोखे में रखूं। अरे भाई, तुम्हारी आंखें नहीं तो मेरी आंखों पर एतबार कर लो। बेटी का मामला है भाई। राजी मेरी भी बेटी है बहन। चलो अच्छा, एक आध दिन और सोच लो, जिस दिन तुम मुझे हाँ कर दोगी मैं उन्हें इत्तला कर दूंगा। या अल्लाह, ये तेरे नाम हजारवा खत लिख रहा हूँ, तू कातबे तकदीर, कभी तो मेरे नाम तू भी लिख। मुझे खता हो गया। और राजी, मुझे जल्दी से बहादुर के नाम खत लिखो, लिखो कि
मेरी माँ ने मेरी शादी की बात कहती है। लिखो कि छुट्टी लेकर चले आओ। छुट्टी नहीं मिलती तभी चले आओ, नहीं आ सकते फिर भी जरूर चले आओ। लिख लिया ना, मुझे तो बैठा पता तो लिख लेने दो। हाँ ये लो। ये किस वक्त पहुंचेगा मुंशी? यही कल परसों मिल जाएगा। तो फिर मैं अगले गांव के डाकखाने में डाला थी। अरे पगली से कोई फर्क नहीं पड़ता। बहादुर जल्दी आ जाना, मैं तुम्हारे आने का इंतजार करूंगी। चौकीदार ने इत्तला देने में बहुत दिन लगा दिए। मेरा ख्याल है आपका ये तीर कुछ निशाने पर नहीं बैठा खानम। तुम्हारा ख्याल इसलिए गलत है, तुम अपना काम गुनाह समझकर करते हो, फर्ज समझकर नहीं। शायद तुमने गरीबों को अपनी मजबूरियां बेचते नहीं देखा। आपको मजबूरियां खरीदते तो देख चुका। वैसे भी जो शख्स अपना जमीर तक बेच चुका उसे भला जरूरतों की खरीदो फरोख्त का अंदाजा न होगा। तुम हर बात को अपनी तरफ ले जाते हो। मेरा मतलब है अगर काम ना भी बना होता तो उसकी माँ अंगूठी और रुमाल तो लौटा देती। खानम आपके वहां जाने के बाद मुझे एक और भी ख्याल आया था। कैसा ख्याल? यही कि मैं आपको खत लिख कर वापस बुला लूं। क्या आप उस लड़की का पीछा छोड़ ही दें तो बेहतर है। क्यों? इसलिए कि वो अपने गांव के एक लड़के से मोहब्बत भी तो करती है। शायद तुम्हें इल्म नहीं कि वो फौजी नौजवान लड़ाई पर जा चुका है। फिर तो ये और भी जुल्म है। जमाल मालूम होता तुम मेरा कारोबार जरूर बंद करवाओगे। मगर खानम, खैर आपकी मर्जी। इसे मेरी मर्जी पर छोड़ो। तुम सिर्फ ये बताओ कि मेरे बाद भी तुम्हारा और जैन का सामना हुआ या नहीं। सामना क्या होता, मेरा तो ख्याल है वो एक ही बगावत के बाद शिकस्त खाकर हथियार डाल चुकी है। और मैंने तो सुना है वो बाकी लड़कियों से मिलते हुए भी कतराती। हमें क्या फर्क पड़ता है, नहीं बोलती तो ना कहे, हम उसे क्यों बुलाने जाएं? मैंने तो उसे कभी हंसते हुए भी नहीं देखा। भागने की तरकीबें सोचती रहती है शायद। अभी तो 6 माह तक उसे बाहर जाने की इजाजत भी नहीं होगी, उसके बाद शायद भाग जाए। उसके बाद क्या भागेगी? तुम भी तो रातें बाहर गुजारते हो, तुम्हें क्यों भागने का ख्याल नहीं आता? मेरी बात छोड़, मैं तो बुजदिल हूँ। ये बुजदिली की बात नहीं है शमीम, दरअसल हमारे लिए यहाँ रहने के सिवा कोई रास्ता ही नहीं। क्यों? माँ बाप दुनिया के खौफ से हमें कबूल नहीं कर सकते और दुनिया वाले हमारे चेहरों की स्याही देकर हमें करीब नहीं आने देते। बाकी रहे खरीदार तो दिन के वक्त हमें पहचानने को भी तैयार नहीं होते। मेरा ख्याल है हम सब मिलकर खानम का गला दबा दें। आहिस्ता बोलो नीलोफर, ना रोने की इजाजत है ना बोलने की। बगावत हम नहीं कर सकते, फरियाद लोग नहीं सुन सकते, और अगर कोई दर्दमंद हमें आवाज भी नहीं देता तो बेहतर यही है कि हम भी चुप ही रहें, बिल्कुल अपने जमीर की तरह खामोश। कल क्या होगा किस
किसको खबर, खामोश रहो कल क्या होगा, किसको खबर खामोश रहो। देखा गया है। ये तार क्या होता है? तार, तार उस खत को कहते हैं जो चंद मिनटों में पहुंच जाए। तो फिर बहादुर को तार ही दे दो कि माँ ने शादी की बात पक्की कर दी है और वो लोग एक दो दिन में यहाँ पहुँचने वाले हैं। अगर तुम ना आए, ना आए तो खत्म हो जाएगा। तुम जंग पर रहोगे और मैं क्या करूँगी? मुंशी मेरी बेचैनी लिख दो, मजबूरी लिख दो, बदनसीबी भी लिख दो, बहुत कुछ लिख दो। इतनी बातें तार में नहीं आ सकती। तो सिर्फ यही लिख दो कि जल्दी आ जाओ, बस आ जाओ, खुदा से भी आ ही जाओ। अच्छा अच्छा, मैं समझ गया, तुम जाओ, मैं भी तार दे देता हूँ, जाओ ना। मुंशी जाओ बेटी, घर जाओ, जाओ। तो मैं कह रही थी, अरे कोई सुन भी रही है या नहीं? तुम कैसी जाओ खाला, सब सुन रही है। कहना क्या है, मैं तो बस बावली हो गई हूँ। इतना अच्छा रिश्ता मिला है, इतना अच्छा रिश्ता मिला है कि बेटी से जुदा होने का गम भी नहीं रहा। दरअसल अपनी अपनी किस्मत होती है, कभी तो खुश नसीबी तलाश करने से भी नहीं मिलती और कभी अपने आप झोली में आ पड़ती है। राज्य के मुतालिक सोचा करती थी
तो दिल डूब जाया करता था कि कहीं ये भी मेरी तरह बदनसीब न हो, लेकिन अल्लाह ने मेरी बेबसी की शर्म रख ली। मैं तो कहती हूँ खुदा तुम्हारा नसीब भी मेरी बेटी जैसा करे। अरे कुछ हाथ भी दिला रही हो या सो गई हो? राजी आ गई खाला, आओ आओ बेटी यहाँ मेरे पास आ जा, तुम्हारी सहेलियों ने मेरा सारा काम बांट लिया है। राजी तो अंदर चली गई है खाला। इसे भी जोड़े के साथ टांग देना, मैं अभी आई। उंगलियों के निशान देखता हूँ मैं। जमाल, टेलीग्राम का मैंने जवाब दे दिया है कि आज रात ही हम वहाँ पहुँच रहे हैं, लेकिन मुश्किल ये है जैनी की निगरानी कौन करेगा? जमाल किस ध्यान में हो? इस मुस्कुराती हुई अचकन को देख रहा और जी चाहता है कि जोर जोर से हंसूं। क्यों, कोई खास बात है इसमें? मुझे ये माहीगीर का वो जाल मालूम होती है जिसे वो शिकार पर जाने से पहले अच्छी तरह खेच तान कर देख लेता है कि कहीं इसका कोई फंदा तो ढीला नहीं है। क्या मतलब? मतलब यही कि ये आजकल मुझ पेशावर का सुनहरा जाल ही तो है जिसे मैं हर शादी पर इस्तेमाल करता हूँ। मेरा ख्याल है तुम अपने आप को डरने लगे हो जमाल। ये बात नहीं है खानम, मुजरिम सिर्फ पहला जुर्म करते वक्त डरता है। अब तो पानी सर से गुजर चुका, अब किस बात का डर है? इंसानियत मुद्दा तो पहले बेच चुका, सोच गुनाहों ने खरीद ली, बाकी रहा दिल तो वो कभी कभार धड़कता है, धड़कता रहे उसकी कौन सी बातें। छोड़ो जमाल और जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें अभी रवाना होना। मैं तो कमर बांधे खड़ा हूँ, देर किस बात की? लगाम आपके हाथ में है, मोड़ती चलिए, मुड़ता चलूंगा। सिपाही
सलाम बेगम साहिबा। सलाम। आपने तो कल आना था ना। हम एक दिन इतने पहले आ गए हैं, बेचारी लड़की की माँ अंधी है ना, उनकी तरफ से इंतजाम भी सब हमें ही करने हैं ना। और कोई नई खबर? बस आपकी दुआ चाहिए, जिस काम में बंदे का हाथ हो कोई नई खबर हो सकती है भला। अच्छा अच्छा, ये सब सामान उठा कर अंदर लगा देना और शाम होने से पहले लंप रोशन कर देना है। अब बहुत अच्छा। ये जमाल कहाँ चला गया? बड़ा पुरसकून है। और क्या? और यूं महसूस होता है जैसे मैं इस पुरसकून माहौल में चिंगारी बनकर आ पहुंचा हूं। आग लगा, आप मुझे किसी ऊंचाई से गिरा क्यों नहीं देती? साफ भी देते हो और पछत भी हो, मुझे तो तुम पर हंसी आ। मुंह हाथ धोकर ताजा हो जाओ, आओ। जहाँ इतने दिन इंतजार किया वहाँ एक रात और सही। वक्त कम है और फासला बहुत ज्यादा है। जब तुम्हारी छुट्टी मंजूर हो चुकी है तो सुबह इजाजत लेकर चले जाना। मुझे अपनी पद्मतीवी के पहुंचने से पहले गांव में होना चाहिए। ये फौजी कानून के खिलाफ वर्जी होगी। मैं फैसला कर चुका हूं नादर, तुम नहीं जा सकते। सर बंद कर। ये बात नहीं बहादुर, मामले की नजाकत को समझो। तुम्हें असला जमा कराना है, कर्नल साहब को इत्तला देनी है और राहदारी भी हासिल करनी है। मुझे सिर्फ अपनी मोहब्बत को हासिल कर। न बनो, मैं तुम्हारे भले की कह रहा हूं। बात क्यों नहीं कहते कि मेरे चले जाने की जिम्मेदारी तुम्हारे लिए खतरा बन जाए? बहादुर, अगर तुम मेरी दोस्ती का इम्तिहान ही लेना चाहते हो तो जाओ और बारूद की चिंगारी बनकर अपने नसीब से जंग आजमाओ। मैं तुम्हारी वजह से आई हुई हर मुसीबत को दोस्ती का तोहफा। शिकस्त खाकर न पलटना दोस्त। Thank you.
मेरी माँ है? क्या कह रहे हो राजी? क्या सब माएं ऐसी होती हैं? पागल तो नहीं हो गई राजी? मैं पागल से ही, लेकिन तुम तो समझदार हो माँ। तुमने वो जबान क्यों बदल ली है जिससे मुझे लोरियां दिया करती थी? तुमने वो कान क्यों बंद कर लिए हैं जो मेरे दिल की धड़कने सुना करते थे? तेरी ममता को क्या हो गया है माँ? तेरी आंखें नहीं, मेरी आंखें तुम्हें। मैं बहादुर के सामने पांच नामू लेकर जाऊंगी। राजी, उस मनहूस का नाम मन। मैंने तुम्हारी तकदीर बदलने का फैसला कर लिया। नहीं माँ, तुम तकदीर के लिखे को मिटाना चाहती हो। तुम मेरी खुशियों को गम समझ कर मुझसे छीन रही हो। तुम्हारी किसी बात का मुझ पर असर नहीं हो सकता, इसलिए नाराज हो गई। बहादुर के ख्याल में तुम्हें रिश्तों की पहचान नहीं रहने दी। तुमसे वो खामोशी छीन लेना जो इन पहाड़ी लड़कियों को मिस करने मिलती है। इन बस्तियों में आज तक किसी बेटी ने अपनी माँ के खिलाफ जबान नहीं की, लड़की से चिंगारी बन गई। और मेरा ये फैसला है कि जब तक चिंगारी से राग नहीं बन जाती, मैं तुम्हें अपनी बेटी का कसम। अगर तुम्हें मेरी जबान का पाठ तो तुम्हें मेरा बना हुआ है। तुम्हारी आंखें नहीं है माँ, और आंखों वाले अंधों के बनाए हुए रास्ते पर नहीं चला करते। अरे यहाँ आने की वजह मेरी समझ में नहीं आई। वजह ना पूछो बाबू, मेरे ये खाली हाथ देखो, मैं इनकी मेहंदी उतार कर लेता हूँ। मेरे ये परेशान बाल देखो, मैंने इनमें सेंदूर भरने की इजाजत दी। मेरी ये भीगी हुई आंखें देखो, मैं किसी और जगह में आंसू बहा कर आई हूँ। बाबू, अपने बारे में कुछ कहना चाहती हो या मेरी कोई शिकायत तुम तक पहुँचती? मैं सिर्फ भीख मांगने आई हूँ बाबू। अगर तुमने मेरी माँ की छुरी भरकर मुझे खरीदा है तो मेरी खाली छुरी में भी अपने इनकार की भीख डाल दो। मालूम होता है किसी की मोहब्बत में दीवानी हो रही हो जो इतनी बहादुरी से यहाँ तक चली आई। हाँ बाबू, मैं जंग पर गए हुए तो कुछ सिपाही का इंतजार कर रही हूँ, जिससे मोहब्बत का इकरार भी कर चुकी हूँ और जिसे दुल्हन बनने की कसम भी दे चुकी हूँ। फर्ज करो मैं तुम्हारी बात मानने से इनकार कर। ऐसा न कहो बाबू, मैं तुम्हारे कदमों में सर रखकर तुम्हें मना लूंगी। तुम जवान हो, दौलतमंद हो, अपने लिए हर दुख खरीद सकते हो, लेकिन मेरी मजबूरी न खरीदो बाबू। मैं तुम्हें प्यार में आया, नापसंद करने लगा बाबू। यही मेरा फैसला। अगर तुम्हारा यही फैसला है तो मेरा फैसला भी सुन लो। मैं गरीब की बेटी ही नहीं, एक सिपाही की मोहब्बत है। जिस तरह सिपाही अपने वतन को धोखा नहीं दे सकता, उसी तरह मैं भी अपने सिपाही की बेवफाई नहीं करूंगी। लड़के बाबू, कल मुझे ब्याह में आओ तो सुहाग का जोड़ा नहीं, कफन की चादर लेकर आना और मेरी लाश को उसी चादर में लपेट कर ले जाना, जो मेरी मोहब्बत का पर्दा भी रखेगी और तुम्हारी दौलतमंदी का भरम भी खोल दे। मैं पहाड़ों की बेटी हूँ बाबू, और मेरा फैसला चट्टानों से ज्यादा अटक होगा। तुमने जमाल से कहा है वो मैंने सुन लिया है, तुमने तो दिल हिला दिया है बेटी। काश ये सब कुछ तुम मुझसे कहती,
और मैं तुम्हारे किसी काम आ सकती हूँ। आप? हाँ बेटी, मेरे सीने में भी औरत का दिल है। अगर तुम इस शादी पे राजी नहीं हो तो मैं सुबह होते ही जमाल को लेकर वापस चली जाती। बेगम साहबा, बेटी मैं तुम्हारा दुख समझती हूँ। बेटी तुम जो चाहती हो वही होगा। मैं दो दिलों को जुदा करने का गुनाह नहीं कर सकती। बैठो, ये शादी नहीं होगी, बस अब रोना बंद कर दो। लो आंसू पोंछ लो। शुक्र है खुदा ने मुझे इतना बड़ा जुल्म करने से बचा लिया। बच्ची जमाल, जमाल, मैंने ये बगावत फर्ज कर दी है, इसे उठाकर गाड़ी में डाल दो। जल्दी करो, हमें वक्त का कि ये बगैर शहर रवाना हो जाना चाहिए। सोच क्या रहे हो, जल्दी करो। वही जो डाक बंगले में खड़े हुए। मुझे तो खुद खबर नहीं वो किस वक्त ले गया जला। और ही डॉक्टर ही मार तुम बोली ऐसे नहीं हूँ, मैं तो बाल बच्चेदार आदमी हूँ। मुझे मार के खा लो, फिर मैं बताता हूँ। जल्दी बताता हूँ, बताता हूँ। मैं अभी मरना नहीं चाहता, जरा दूर बैठो। दूर उनके पास मेरा पता है ना, मेरे पास उनका पता है, मगर वो वही जाओ जाओ। Thank you.
सच्चाई में आईना देखने से बाज औकात इंसान का जमीर उसके सामने आ जाता है। दे दो कि वो घर जाने के काबिल नहीं रही, वरना ये हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। बोलो जमाल, खामोश क्यों हो? अगर मैं ये काम न कर सकूं तो मैं ये काम किसी और के सपोर्ट करती हूँ। कोई और भी अब इस कमरे में कदम नहीं रख सकता खानम। जमाल, बेगैरत जमाल मर चुका है। होश में आओ जमाल। होश ही में आ चुका, गुनाह का तमाम नशा उतर चुका। आज मैं साबित कर दूंगा कि कोई इंसान पैदाइशी तौर पर बेगैरत नहीं होता, बल्कि माहौल और समाज की नाइंसाफियां उसे अपना जमीर बेचने पर मजबूर करती। तुमने मेरी परवरिश बेहयाई की गजा पर की है खानम। कसूर मेरा नहीं, तुम्हारा था, और इसकी सजा भी मुझे नहीं तुम्हें मिलनी चाहिए। जमाल को बांध दो और लड़की को दूसरे कमरे में ले जाओ। छोड़ दो, जानते हो तुम कितनी शादियां कर चुके हो और कानून की नजर में हमसे बड़े मुजरिम हो। जानता हूं। तो मानो तुमने इनकार करके अच्छा नहीं किया। नहीं मान। माना कि तुम गलती पर हो। नहीं। माना कि तुम मेरे इशारे पर चलोगे। नहीं। गोया तुम मेरी बात को ही मानने के लिए तैयार? नहीं, 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 मैं नहीं जहाँ
कहो, हम तो रखते नहीं है जबान, तुम कहो। बोलबाला है सच्ची का यहाँ, तुम कहो। ले झूठ को बहन की भूत को, इसको ले झूठ को बहन की भूत को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। झुकता है नफरत की तलवार से, डराते हो जिंदा की दीवार से, मैं तो डरता नहीं सकते डर से। ऐसे हालात को जुल्म की बात को, ऐसे हालात को जुल्म की बात को, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। तुम पूछो तो मैं कौन हूं, ना मैं पूछता हूं कि तुम कौन। मुझे सिर्फ ये बता दो कि तुम में से वो कौन है जो राजी को उठाकर लाया। जवाब तो नहीं तो पक क्यों रहा, बोलो बोलो। तुम उसे उठाकर लाए हो, अगर लाए हो तो क्यों लाए हो। शायद इसलिए जिसने तुम्हारे साथ शादी करने से इनकार कर दिया था। राजी मेरी मोहब्बत है, एक सिपाही की मोहब्बत, और किसी दूसरे की बीवी नहीं बन सकती। मैं कहता हूं बताओ कहां है राजी, बताओ उसे इस चारदीवारी में क्यों लेकर आया। क्या सोच कर तुमने अपनी मौत को आवाज दी है, क्या समझ कर तुमने मेरी गैरत को रोका। जबानी ना, वरना इन दीवारों पर तुम्हारे खून के छींटों से तुम्हारे अंजाम की वो दास्तान लिख दूंगा जिससे आने वाली नस्लें भी बिल खा सके। मैं कहता हूँ राजी को मेरे हवाले कर दो, नहीं तो क्या बता जाएगी। बोलो 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 बोलो। और सिर्फ तमाशा देखो, दोनों को मिलने दो, जो भी मर गया हमारे लिए देना होगा। तुमने सिर्फ राजी का पूछा था इसलिए कि तुम्हें उससे मोहब्बत थी, और मैं इसलिए खामोश रहा कि मुझे अपने आप से नफरत थी। तुम प्यार में दीवाने होकर आए और मैं बेबसी में पागल बना खड़ा। नौजवान सिपाही मेरे चेहरे पर लगे हुए इन जख्मों को देखो। इसी किस्म के चंद दख्म मेरे सीने पर भी मौजूद, लेकिन तुमने इतनी मोहलत ही नहीं दी कि मैं गरिमा खोल कर दिखा सकता। तुमने पूछा ही नहीं कि जिस गर्दन पर तुमने बंदूक सीधी की है उसमें बेगैरती के खून का कोई कतरा भी बाकी है या नहीं। दोस्त, मैं इसी गुनाह की दुनिया का एक था और गुनाहों से तौबा करने की सजा झेल रहा था कि तुम आ गए। तुमने भी मुझे गुनाहगार ही समझा और मैं इसलिए चुप रहा कि अगर उस वक्त अपनी बेगुनाही का यकीन दिलाता
तो तुम मुझे मौत के डर से बहका हुआ इंसान समझते। नौजवान, राजी भी तुम्हारी अमानत है और ये बंदूक भी। इस बंदूक की हिफाजत में राजी को यहां से निकाल कर ले जाओ। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने एक भाई की तरह राजी की इज्जत की हिफाजत की। नौजवान, तुम वतन के सिपाही हो, तुम्हारे बाजुओं की जरूरत वतन को है। यह अंदर की जंग है, मुझे लड़ने दो। जाओ तुम मुल्क की हिफाजत करो, घरों में लगी हुई आग मैं सर्द करूंगा। मुझे शोले को बुझाने दो। इन लड़कियों को पहचानते हो? इन्होंने जो कुछ कहा क्या वो सही है? इधर देखो, क्या यही वो शख्स है जिसकी स्टेन गन से तुमने उन दोनों को हलाक किया? तुम कुछ कहना चाहते हो? मैं जो कुछ जानता था कलम बंद करवा दिया है और इस सिलसिले में मुझ पर मिलिट्री कोर्ट में केस भी चल रहा है। तुम्हारा नाम बहादुर है और तुम राजी से मोहब्बत करते हो। मैं सब कुछ अपने बयान में लिखवा चुका हूं। तुम जा सकते हो। इसे देखो, क्या यही वो लड़की है जिसे तुम अगवा करके लाए थे? तुमने अपने बयान में जो कुछ लिखवाया है क्या वो बिल्कुल सही है? जी। क्या यही वो आदमी है जो तुम अगवा करके लाया था? जी। तुम इसे अच्छी तरह पहचानती हो? जी। तुम जा सकती हो। भाई, तुमने अपने बयान में लिखवाया है कि तुम बहादुर को पसंद नहीं करती थी, इसलिए तुमने अपनी बेटी की शादी किसी और जगह तय कर दी। क्या यह सही है कि तुमने अपनी बेटी को एक अमीर औरत के हाथ बेच दिया? ये गलत है बेटे। दरअसल मैं अपनी बेटी का हाथ एक सिपाही के हाथ में नहीं देना चाहती थी। क्यों? इसलिए कि मैं अपनी बेटी को अपनी तरह बदनसीब नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि मेरा खामी भी एक सिपाही था जो जंग पर मारा गया था। तुमने अपनी बेटी की शादी के वक्त किसी से मशवरा नहीं लिया था? मेरा था ही कौन जिससे मैं मशवरा लेती। एक बेटा था जो बरसों पहले मुल्क की तकसीम का शिकार हो गया। मारा गया था? खुदा जाने क्या हुआ था, मगर मेरा ख्याल यही है। तुम अंधी कब हुई? उसी बेटे की याद में रो रो कर अंधी हो गई। क्या नाम था तुम्हारे बेटे का? जमाल। उसे मैं प्यार चिड़ी कहा करती थी। आ जा।
मैं कुछ सुनना नहीं चाहती, मुझे ये कुछ मंजूर नहीं है। मुझे मेरा बेटा मिल गया है, मुझे मेरा बेटा मिल गया है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे बच्चे की हथकड़ियाँ खोल दो, खोल दो मेरे बच्चे की हथकड़ी, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैंने सबको माफ किया, अदालत कल तक के लिए बर्खास्त हो जाती है। जनाबे वाला, मुल्ज़िम की मुसलसल खामोशी। वकील साहब, तुम चुप रहो और मैं खामोशी तोड़ता हूँ। मैंने कयामत तक खामोश रहने का फैसला किया था, लेकिन वक्त भी गुजर चुका है और कयामत भी, और इस कयामत के बाद मुझमें चुप रहने का हौसला बाकी नहीं। इधर देखिए वकील साहब, सवाल करना है तो मुझसे करो और जवाब लेना है तो उन चेहरों से लो जो अपने आप को सवाल बना बैठे। मैं 15 बरस तक अपनी माँ से इसलिए जुदा रहा कि मैं नहीं जानता था वो कहाँ है, लेकिन ये लड़कियां ये जानते हुए भी कि उनके माँ बाप कहाँ है उनसे नहीं मिल सकती। मेरे साथ तो वक्त ने मजाक किया था, लेकिन ये मजाक किसने किया, ये नाइंसाफी किसने की है? आपने, मैंने, समाज ने या समाज बनाने वालों ने, जो रात के अंधेरे में आकर इंसानी खून में नहाते और दिन के वक्त जिनके दामन पर कोई छींटा भी नजर नहीं आता। बोलिए या किसी से पूछ कर जवाब दीजिए वकील साहब, क्या आप फिर सजा ही बना जानते हैं, या उन बेगुनाहों की सजा माफ भी करा सकते हैं जिन्होंने इस दुनिया में औरत कहलाने का इल्जाम उठाया है? जवाब दीजिए या मेरे मुंह पर हाथ रख लीजिए, ताकि मेरी जवान माशरे के वो हजारों चेहरे बेनकाब न कर दे जो गुनाह के इस कारोबार को इज्जतमंदी की दौलत से तरक्की देते। जनाबे वाला, मुल्ज़िम अपने चेहरे की स्याही के मुंह पर लगाना चाहता है। कल तक ये इसलिए खामोश था कि ये जिंदा नहीं रहना चाहता था, और आज इसलिए बोल रहा है कि माँ मिल जाने के बाद मरना नहीं चाहता। ये गलत है। तो फिर सही क्या है? सही ये है कि जो कुछ गलत था मैंने उसका खात्मा कर दिया। मुझे सजा दीजिए, मुजरिम नहीं समाज समझकर, कातिल नहीं बेगैरत समझकर, मुझे भी खत्म कीजिए और इस नाइंसाफी को भी। फैसला दीजिए इस जुर्म का, इलाज कीजिए उस बीमारी का, फांसी लगा दीजिए मुझे, रिहा कर दीजिए इन बेचारियों को, वो हालात बदल दीजिए जो इन लड़कियों को माओ की गोद से जीत कर जरूरत के बाजार में ला बेचते। कुछ तो कीजिए वकील साहब, कुछ तो कहिए जज साहब, कुछ तो फैसला दीजिए, कुछ तो फैसला दीजिए। जुर्म साबित है, मजबूरी सामने है, फैसला देर नहीं मांगता, लिहाजा मुजरिम को उसके जज्बे की रियायत देते हुए 10 साल कैद की सजा दी जाती है। जवान, जवान,
हौसला रखो माँ, सिर्फ इस खुशी में यह गम बर्दाश्त कर लो कि तुमने मुझे पा लिया। मैं इस खुशी को आग लगाती हूँ, दोबारा तुम्हारी जुदाई दे दी। तुम्हारे पास जज्बात ज्यादा हैं और मेरे पास वक्त कम है माँ, बस इतना सुन लो कि दोबारा मुझसे मिलने के लिए आओ तो राजी और बहादुर की शादी की खबर बंद कराना। हाँ माँ, मत डाँटती, और गैरतमंद की एक दिन की जिंदगी बेगैरती के 100 साल से बेहतर होती है। बहादुर, मेरी माँ को मेरी जुदाई महसूस न होने दे दो। मैं तुम्हारी याद बनकर रहूंगा जमात। राजी, अपने बेगैरत भाई को मारो। भैया, मेरे सामने मुझे भैया न कहो, मुझे अपने गुनाहों का कफारा अदा कर। माँ, जाते जाते उस मजलूम को भी साथ लेती जाना कि मेरी लगाई हुई आग में जलकर भी पराई नहीं थी। इस रात को महफूज रखना माँ, वापस आ गया तो अपने सर में डाल दूँ। आज से ये तुम्हारी बहू है माँ। अब आवाज न दो माँ, समझ लेना कि एक बार फिर काफला लूट गया है, एक बार फिर मैं गुम हो गया हूँ, एक बार फिर तुम्हें तलाश करना पड़ेगा। Thank you.